मेरा ममेरा भाई कहाँ गया? अबे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल ना, देर हो रही है। चलो जल्दी जल्दी, देर हो रही है भाई। हमने सारा सामान अब चलते हैं वापस। गाइस यहाँ से अभी रास्ते बन रहे हैं, आप देख सकते हो वाजवान जो है वो अभी रेड खरीद रहे हैं। ये ना सेम उसी कलर के लेकिन थोड़े से लॉन्ग। गाइस यहाँ से अभी रास्ते बन रहे हैं, आप देख सकते हो वाजवान जो है वो अभी रेडी है। सो गाइस कुछ कपड़े मैंने बैग में साथ में उठाए क्योंकि मुझे 5-6 दिनों के लिए जाना है। मैं ना वहाँ से 5-6 दिनों के बाद वापस आऊंगा। ये कपड़े मैंने कल लाए थे, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो अभी मैंने लगाए है यही कपड़े। शूज मैंने यही पे लगाए, ये ना कल मैंने लाए है, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी आ चुका है अपने घर को बाय करने का टाइम। बाय बाय स्वीट होम, बाय बाय, मिलते हैं 5-6 दिनों के बाद। हाँ जी गाइस, तुम्हारा भाई नीचे से ऊपर तक फूफा और रेडी हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे की इसको कहाँ जाना है। मैंने जाना है श्रीनगर 5-6 दिनों के लिए। आप लोग को पता ही होगा की जैदपाल मेरा कजन ब्रदर है, वो ना श्रीनगर में पढ़ता है। आज मैं उसी के पास जा रहा हूँ 5-6 दिनों के लिए। वहाँ से व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, मजा भी आ जाएगा। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, घर वालों से इजाजत ले लेते हैं, निकलते हैं फटाफट। रेडी तो मैं हो चुका हूँ, देखते हैं क्या कुछ प्रोसेस रहता है। फिलहाल मुझे शोपियां तक जाना है सोमो में, वहाँ से मुझे दूसरा सोमो पकड़ना है। ठीक है चलो जी, फिलहाल चलते हैं किचन में, घर वालों से इजाजत ले लेते हैं। एंड गाइस परी को भी कर लेते हैं। भाई ये सोई हुई है, भाई भाई मेरी जान, मिलते हैं 5-6 दिनों के बाद। इसको मैं बहुत मिस करूंगा कसम से, भाई मेरी जान। हाँ जी गाइस, तो मम्मा से इजाजत ले लेते हैं, निकलते हैं फटाफट। मैं भी मिशन शहर गसुं बनिया रो। खुदा सवाल खुदा है तो मैं भी सवाल वार वेत थे ले मियोन खुदा है से आराम सान ते नियर खुदा है तो मैं भी स्कूल में खावा। मैं जो 5-7 दिन पर गसुं। हां नियर खुदा है स्कूल में खावा के नन ते करे अल्लाह ताला रूत यम जस छे तो हते पे मुकुर कायना। गाइस आपको पता है मेरे साथ मेरा ममेरा भाई भी आ रहा है, वो शोपियां में वेट कर रहा है। पहले मुझे शोपियां तक पहुंचना है, वहां से हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है गाइस, आपको पता है मेरे साथ क्या मसला हुआ है? कल मैंने यहाँ से कपड़े खरीदे थे, ये ना छोटे हो गए। ठीक है अब मैं लेता हूँ कुछ और इनके बदले। ये पैंट भी छोटा हो गया एंड ये हुडी भी। ठीक है गाइस, मेरा भाई भी आ चुका है। भाई देर हो रही है, इससे बहुत ही ज्यादा लेट कर आज कसम से। तो कपड़े शपड़े लेते हैं, मैं यहीं पे कपड़े लगाता हूँ, फिर निकलते हैं आराम से। ठीक है हाँ जी गाइस, तो उन कपड़ों के बदले मैंने ये कपड़े खरीदे है। ये ना सेम उसी कलर के लेकिन थोड़े से लॉन्ग है। ठीक है ये ना मुझ पे छेटे। ठीक है तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। गाइस मेरा ममेरा भाई कहाँ गया? अबे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल ना, देर हो रही है। गाइस ये मेरा ममेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे ममेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। चल भाई देर हो रही है। चलो जी गाइस, चार यहीं पे बच के चढ़ते हैं सोम में फटाफट, निकलते हैं श्रीनगर की ओर, आपसे मिलते हैं आगे। शायद श्रीनगर। चलो जी गाइस सोम मिल गया, तो चढ़ते हैं सोम में। आजा भाई मैं पीछे बैठता हूँ क्योंकि पीछे जो मजा है ना वो आगे नहीं है। चलो जी गाइस पहुंच चुके हम श्रीनगर। ये है कुछ सामान, ठीक है ये वहीं पे ले जाना है, इसमें बहुत सारा सामान है। गाइस थोड़ा हम यहाँ पे जैद का वेट करेंगे, उसको 5-10 मिनट लगेगी यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है आशिक भाई क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, बस मजे में। ओके, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा कसम से, टांगों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जैद का वेट कर लेते, वो आता ही होगा, फिर निकलते आराम से रूम। भूख लगी उसको बहुत ही ज्यादा, यहाँ से कुछ खा लेते हैं मूंगफली मूंगफली। अभी हमें कुछ इस तरह की लोकेशन पे आप देख सकते हो बैग के नजारे। ठीक है जैद ने बोला मुझे 5-10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, जब तक वो आ जाएगा तब तक हम यहीं पे वेट करेंगे। ठीक है जैद पल आ चुका है, लो भाई उठा लो ये, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। भाई क्या लग रहा है आपको? बहुत टाइम लगा है इसने भाई। चलो अब चलते हैं सीधे रूम पे, आप लोग वहीं पे मिलते हैं। ठीक है जैद भी आ चुका है, सीधे चलते हैं रूम पे, भूख भी बहुत ही ज्यादा लगी है, वहीं पे पेट पूजा करने के आराम से। ठीक है हम पहुँच के रूम पे, जाना का है भाई, मुझे तो डर लग रहा है। ये वाला रूम है। चलो अबे भाई फैन बंद करो, क्या हो गया आपको? गर्मी लगी क्या आपको? चलो जी गाइस ये हमारा ब्यूटीफुल रूम। ठीक है 4-5 दिन तक हम यहीं पे रहने वाले हैं, एंड बाहर के नजारे यहाँ से दिखा दे आपको। ये देख लो जी बाहर के नजारे। गाइस थोड़ा पहुंच के रूम पे, भूख बहुत ही ज्यादा लगी है। हम बनाते हैं लिप्टन चाय जो कि मेरी फेवरेट है। यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। आशी भाई क्या लग रहा है आपको? ठंड से या भी लग रहा है कि शोपियां से मतलब कम काम है? हाँ मुझे भी लग रहा है। तो खैर चाय से बनाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद हमें बाहर जाना है क्योंकि बाहर कुछ काम है मार्केट में। ठीक है चाय हो चुके रेडी, बस 2-3 मिनट लगेंगे इसको। चाय पी लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा लगी है। बस 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 बस, ज्यादा डाली आपने इसमें चीनी, ज्यादा है चाय में। ये रोटी को हम बीच में लगा देते हैं, अमूल अमूल बटर। बस मेरी जान बस करो ऊपर से बंद। ये देखो श्रीनगर का त्याल वर्ड। अभी हम जाते हैं मार्केट क्योंकि हम लाते हैं खाने के लिए कुछ और भी सामान आना है, वो वही पता चलेगा। कल के व्लॉग में हम बनाएंगे गाजर का हलवा इंशाल्लाह, कल के व्लॉग में। चलो चलते मार्केट लाते हैं कुछ सामान। चलो भाई
चलो 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 आशिक भाई चलो, आज जैद पर आशिक भाई चल रहे हैं आगे आगे। चलो भाई साहब प्याज 1 kg, टमाटर 1/2 kg और थोड़े से मिर्ची, ठीक है भाई। यह है बाहर का व्यू, आप देख सकते हो यहाँ से देख लो जी बाहर के नजारे अभी के। लेकिन शोपियां में ज्यादा ठंड है, यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है जितनी शोपियां में। बंधु ने सब्जी लाई शाम के लिए, चलो चलो जल्दी जल्दी, देर हो रही है भाई। हमने सारा सामान अब चलते हैं वापस रूम पे, हमने मैगी लाए यही बनाते हैं, आज मैगी से ही चला लेते हैं, कल ना गाजर का हलवा बनाते हैं कल के उलाग में। चलो चलते हैं रूम पे वापस, वहीं पे मिलते हैं, मैगी बनाते हैं हम खाना खाने के बाद यही 10:30। पहुंच चुके हैं वापस रूम पे, खाना हमने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ, खाना हो चुका है रेडी, बस अब सब्जी पकानी है। गाइस खाना हमने खाया था 9:30 बजे, अभी बज के 11:09, ठीक है। भूख बहुत ही ज्यादा लगी है, अभी आज का मैगी बनाने का टाइम, बंदे वहाँ से काम कर रहे हैं, मुझे पता है ये बंदे आज सोने नहीं देंगे। गाइस फिलहाल हम अभी सब्जी काट रहे हैं मैगी के लिए, अभी मैगी बनानी है, ठीक है। ये है मिर्ची, टमाटर और प्याज। गाइस आपको पता है 1/2 घंटे से मैं मैगी का वेट कर रहा हूँ, मैगी तैयारी नहीं हो रही है। मैगी हो चुकी है रेडी, दे दो मुझे भाई इसमें, बस 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 मैं तो इतनी ही खाऊंगा भाई। गाइस मैगी हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हो, फिलहाल करते हैं टेस्ट। वाह भाई, भाई इधर देखा, सैल्यूट सैल्यूट भाई सैल्यूट, बहुत ही बढ़िया भाई, कसम से बहुत ही बढ़िया। 11:30 बज चुके हैं, 11:30 बजे वही मैगी खा रहे हैं। गैस हो चुके मैगी शैगी डन, अब डालते बिस्तर यहाँ पे एंड सोते हैं क्योंकि नींद बहुत ही ज्यादा आ रही है। हाँ जी गैस, अभी बच चुके रात के 12, नींद बहुत ही ज्यादा आ रही है, आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है नींद की वजह से, ठीक है। इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।